इसराइल और हमास के बीच का युद्ध जितना पुराना होता जा रहा है उतना ही घातक होता जा रहा है। रॉकेट, तोप, मिसाइलों और विस्फोटक ड्रोन से मची तबाही ने गाजा को पूरी तरह से तबाह कर दिया है। गाजा में हर तरफ इजरायली सेना द्वारा मचाई गई तबाही के निशान मौजूद हैं, लेकिन बावजूद इसके दोनों खेमे आमने सामने हैं और अभी भी जंगी हालात जारी हैं। एक तरफ जहां IDF गाजा में आगे बढ़ रही है, वहीं फिलिस्तीन के आतंकी गुट एकजुटता दिखाते हुए इजरायल पर जमकर बरस रहे हैं। गाजा के दक्षिणी रफा शहर में इजरायली बलों को हमास के लड़ाके जंग के मैदान में छका रहे हैं। गाजा में जिस तरह से हमास ने सुरंगों का जाल बिछा रखा है, उसे निपटने में इजरायली सेना को मशक्कत करनी पड़ रही है और हमास को मिटाना इतना आसान भी नहीं दिख रहा है। इस बीच पूर्वी इजरायल जनरल यित्जाक ब्रिक ने एक इंटरव्यू में नेतन्याहू के सेना पर बड़ी टिप्पणी की है। उन्होंने कहा कि इजरायल गाजा पर हमला करने और उस पर कब्जा जमाने के अपने मकसद से भटक गया है। इस जंग में इजरायल को कई मोर्चों पर नुकसान उठाना पड़ रहा है। इजरायली सेना अभी तक हमास के लड़ाकों की कई सुरंगों को अभी तक खोज नहीं पाई है। इसके अलावा पूर्व जनरल ने कहा कि गाजा पर कब्जा केवल PM नेतन्याहू अपने शाक के लिए करना चाहते हैं। उन्होंने रफा में किए गए इजरायली सेना हमले को भी शर्मनाक बताया है। बता दें कि ब्रिक इजरायली सरकार और IDF दोनों के प्रमुख आलोचक हैं। इसी कड़ी में हमास के लड़ाकों के पक्ष में बोलते हुए उन्होंने कहा कि हमने 20 वर्षों में सेना की क्षमता को इस हद तक कम कर दिया है कि वह हमास को नहीं हरा सकती। ये एक रणनीतिक हार है जिसे इजरायल ने अपनी स्थापना के बाद से नहीं देखा है। इतना ही नहीं, ब्रिक ने हमास के साथ साथ हिजबुल्ला को लेकर भी इसराइल को घेरा। उत्तरी इसराइल में हिजबुल्ला के हमलों से तबाही का मंजर किसी से छिपा नहीं है। इसी कड़ी में उन्होंने कहा कि लेबनान के साथ उत्तरी मोर्चे पर नेतन्याहू का कोई भी फैसला विनाशकारी साबित हो सकता है। इजरायली सेना वर्तमान में हिजबुल्ला की मिसाइलों और ड्रोन को रोकने में असफल रही है। अगर इजरायली ठिकानों पर दर्जनों रॉकेट, ड्रोन और मिसाइलों के बजाय हजारों रॉकेट दागे गए तो इजरायली सेना का क्या होगा? बता दें कि उत्तरी इसराइल में हिजबुल्ला के हमलों के आगे IDF को संभलने का मौका भी नहीं मिल पा रहा है। 11 जून 2024 को इजरायली हमले में अपने कमांडर तालेब की मौत के बाद से हिजबुल्ला के हमले और भीषण हो गए हैं। इजरायल और हमास के बीच जंग की शुरुआत में 12 जून 2024 ऐसा दिन था जब हिजबुल्ला ने IDF पर अब तक का सबसे बड़ा हमला किया। इस हमले में हिजबुल्ला ने इसराइल पर करीब 200 से ज्यादा रॉकेट दागे थे। हिजबुल्ला का ये हमला इतना भयानक था कि उत्तरी इसराइल में सायरन की गूंज चारों तरफ सुनाई दे रही थी। अपने कमांडर की मौत के बाद से हिजबुल्ला के हमलों में और तेजी देखी गई है, क्योंकि ठीक एक दिन बाद यानी 14 जून 2024 को हिजबुल्ला ने गोलन हाइट सहित 15 इसराइली ठिकानों को निशाना बनाया था। और इस हमले के दौरान हिजबुल्ला ने करीब 150 रॉकेट और 30 विस्फोटक ड्रोन से हमला किया था। इस हमले में कम 2 लोग घायल हो गए थे। रिपोर्ट के मुताबिक IDF के अब तक के ऑपरेशन में करीब 307 सैनिकों की मौत हुई है। पूर्वी जनरल का ये कटाक्ष वाकई में गौर करने लायक है, क्योंकि जिस तरह इजरायली सेना दो मोर्चों पर जंग लड़ रही है, इससे आने वाले समय में IDF की मुश्किलें बढ़ सकती हैं, क्योंकि हिजबुल्ला के मौजूदा हमलों से ही इजरायली सेना लड़खड़ाती नजर आती है।